जिन्हां दा प्रभु दे नाल प्यार पै जांदा है ना, जिन्हां दा जराना प्रभु दे नाल लग जांदा है ना, जिन्हां दी लोर प्रभु दे नाल लग जांदी है ना, ते जिहड़े प्रभु जी दे हो जांदे ने ना, ओह ते फिर ना ते फिर उन्हां नूं ठंड लगदी, ना उन्हां नूं गर्मी लगदी, ते ना ही ओह पैसे की परवाह करते ने, ना ही ओह अगे चाहे पिछे बैठन का कोई उन्हां नूं मतबल नहीं है। ओह ते परम प्रभु दे भवन दे विच कहिंदे ने कि भावें पिछे जुत्तियां दे विच ही जगह मिलदा है। ओह की करदे ने, प्रभु दे चरणां दे विच आ के बैठदे ने, ओह सोने दे महल भी छड दिंदे ने, ते उन्हां नूं सोने दे महलां नालों भी प्रभु दे भवन जिहड़ा वा ना उन्हां नूं प्यारा लगदा है। ते उही जिहड़े प्रभु दे प्यारे होंदे ने ना, ते उन्हां नूं प्रभु की करदा फिर चक के उत्थे लै के जांदा जिथे सोने दीआं सड़कां ने, जिथे दुध दीआं लहरां नहरां वगदीआं ने, प्रभु जी उत्थे लै के फिर जांदे ने जिथे सदा दा राम आ। प्रभु उत्थे लै के जांदे ने जिथे सदा दी खुशी आ, टेंशन मुक्त, जिथे आनंद वाला जीवन आ ना, उत्थे लै के जांदा है प्रभु। प्रभु उन्हां नूं लै के जांदा है ना जिहड़े प्रभु दे भवन दे विच वासा कर लैंदे ने, जिहड़े आलणा बना लैंदे ने ना, ते प्रभु फिर उन्हां नूं जिवें इब्राहिम दे नाल प्रभु जी ने वादा किया है ना कि मैं तेनों हदों वध वधावांगा, उही हदों वध वधदे ने जिहड़े वफादार हुंदे ने, जिहड़े वफादारी दे नाल चलदे ने, जिहड़े लगातार प्रभु दे कदमां दे विच आउंदे ने। एक आपां होर वचन पढ़ लवांगे, पहला इतिहास 29 बाप उहदी 3 जिहड़ी आयत आ ना, उहदे विच्चों आपां थोड़ा जिहा सिखांगे। बड़े ध्यान दे नाल सिखिए, प्रभु तुहानूं की कहना चाहुंदा है, कि जो भी प्रभु वचन दे विच तुहानूं दस रहे ने ना, जां तुहाडे दास दसदे ने, इह तुहाडी तरक्की दे लई दसदे ने, इह इस करके तुहानूं वचन सिखाया जांदा आ कि तुसीं सत दे ज्ञान तक पहुँच जाओ, तुसी अगे वध जाओ, तुसी बीमारियां तो बच जाओ, तुसी दुखां तो बच जाओ, तुसी परेशानियां तो बच जाओ, तुहाडे बच्चे जिहड़े ने नसियां तो बच जाण, बुरियां संगतियां तो बचे रहण, तुहाडा परिवार, तुहाडे बच्चे, तुहाडियां बेटियां, तुहाडियां नौहां जिहड़ियां ने उह स्वर्ग दे विच चलियां जाण, तुहाडे बच्चे स्वर्ग दे वासी बन जाण। इस करके मेरे भैन भरावो, तुहाडे दास ते प्रभु दा वचन प्रभु जी दे मूँह दे कहे हुए शब्द तुहाडे तक पहुँचाउंदे ने। सुनिए पहला इतिहास 29 बाप उहदी 3 आयत दे विच प्रभु बोलदे ने, किदां बोलदे ने, की सानू कहिंदे ने। अपना मन परमेश्वर दे भवन दे उत्ते मैं लाया होया। अपना जिहड़ा मन आ ना, मैं परमेश्वर दे भवन ते लाया होया। मेरे प्यारे भैन भराओ, तुसीं भी अपना मन जिहड़ा आ ना परमेश्वर दे भवन उत्ते ला लो, तुहाडा मन लग जाए,
जिस दिन तुहाडा मन परमेश्वर दे भवन दे विच लग गया ना, जिस दिन तुसी लगातार परमेश्वर दे भवन दे विच आउन लग पे, जिस दिन तुसी रसूलां दी सिक्ख्या लैन लग पे ओ भी लगातार, ते उस दिन तुहाडा तुहाडे दिनां दे विच फर्क पै जाएगा। तुहाडा घर जेड़ा है ना, पहले वाला घर नहीं रहेगा, पहले वाले तुसी नहीं रहोगे, पहले वाले तुहाडे काम में नहीं रहेंगे, पहले वाले तुहाडे जेड़े बच्चे है ना, लड़ाई करते सी, झगड़ा करते सी, बीड़ियां पींदे सी, भंग पींदे सी, तरह तरह दियां गालां कढ़दे सी, तरह तरह दे पुठे काम करदे सी, ओह सारा कुछ की हो जाएगा, बदल जाएगा, ते सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले वाला सुभाव नहीं रहेगा, पहले वाली सोच नहीं रहेगी, पहले वाले काम जेड़े ने ना ही नहीं रहेंगे, ना गरीबी रहेगी, ना घर च कलेश रहेगा, रहेगा ते प्रभु दा नाम उस घर विच रहेगा, रहेगा ते प्रभु जी रवे रहेंगे, ते जदों उस घर दे विच प्रभु रहेंगे ना, और जिस घर नू प्रभु चलाउंदा है ना, और जिस घर का प्रभु मालक बन जाता है ना, उस घर दे विच तंगी नहीं, कोई मुसीबत नहीं रहन दिंदा, और प्रभु जिथों आया है ना प्रभु उथे फिर नाल लैके जाता है। ये फिर पढ़ दियो, जो मैं अपना मन अपने परमेश्वर, तो अते इस लई जो मैं अपना मन अपने परमेश्वर दे भवन उत्ते लावां, अपने परमेश्वर दे उत्ते, बड़े फकर दे नाल कहिंदा कि मैं अपने परमेश्वर दे उत्ते की लाया होया वा, मन लाया होया वा। तुसी भी अपना मन जेड़ा है ना अपने परमेश्वर दे उत्ते ला लो।